हेलो बच्चों, आज हम वायुमंडल के भाग 3 पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पवन तथा आर्द्रता पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पवन से। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी पे तापमान का जो वितरण है वो असमान है, अर्थात हर जगह एक समान नहीं है, और इसी कारण से जो है वायुदाब पेटियां बनती हैं। बच्चों, वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है, और इसे ही जो है पवन कहते हैं। अगर हमें प्रवाहित वायु या पवन की दिशा का पता लगाना होता है तो हम पवन दिशा सूचक यंत्र अर्थात विंड वेन से इसका पता लगाते हैं। यहाँ तक कि हम पवन की गति को जिस यंत्र से मापते हैं उसे एनीमोमीटर कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे हम पवन के प्रकार पे। तो बच्चों, मुख्यतः जो पवन है वो 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम स्थायी पवन अर्थात परमानेंट विंड से। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि परमानेंट विंड होता क्या है। तो जिस दिशा में हवाएं प्रायः साल भर चला करती हैं, उसे स्थायी पवन या परमानेंट विंड कहते हैं। भारत में व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवन जो है स्थायी पवन के उदाहरण है, और ये वर्ष भर लगातार एक ही निश्चित दिशा में बहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा पवन के प्रकार को जारी रखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे मौसमी पवन अर्थात सीजनल विंड पे। तो बच्चों, जिन हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है उसे मौसमी पवन कहते हैं, अर्थात मौसमी पवन जो है ऋतु के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। मतलब ये पवन जो है विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलते रहते हैं, जैसे कि भारत में मानसूनी पवन। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, इन दोनों ऋतुओं में पवन की जो दिशा है एक दूसरे के विपरीत है, अर्थात एक समान नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पवन के प्रकार पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अब हम स्थानीय पवन अर्थात लोकल विंड पे चर्चा करेंगे। बच्चों, किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को ही हम स्थानीय पवन कहते हैं। ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलते हैं, जैसे कि भारत में स्थल एवं समुद्री पवन या समीर। बच्चे, भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो गर्म एवं शुष्क पवन चलते हैं उसे हम लू कहते हैं, और ये लू ज्यादातर उत्तरी भारत में मई जून के महीनों में चलती है। तो चलिए अब हम आगे चढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे आर्द्रता पे। बच्चों, पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों का जल जब वाष्पित हो जाता है तो जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय उपस्थित इन जल वाष्प की मात्रा को ही हम आर्द्रता कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होते जाती है, इनकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता जो है बढ़ते जाती है, और इस प्रकार से यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आर्द्र के दिनों में कपड़ों को सूखने में काफी समय लगता है, एवं हमारे शरीर का जो पसीना है वो भी आसानी से नहीं सूखता है, और हमें असहज महसूस होता है। बच्चों, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा आर्द्रता पे जारी रखते हैं। बच्चों, सूर्य के ताप के कारण जल जो है वाष्प बन जाता है और जब जल वाष्प ऊपर उठता है तब ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित अर्थात कंडेंस्ड और ठंडा होकर जो है जल की बूंदे बनाते हैं और ये जो बादल होते हैं वो जल की बूंदों का समूह होता है। बच्चों, जब जल की ये बूंदे इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके तब ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं, अर्थात जल के रूप में पृथ्वी पे गिरने वाले वर्षण को ही हम वर्षा कहते हैं। जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। ये जो पहला है इसमें क्या होता है कि सूर्य की रोशनी के कारण जल जो है वाष्प बन के ऊपर उठती है और यहाँ पे ये जो है संघनित अर्थात कंडेंस्ड होकर और ठंडा होकर जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये जो बादल है ये इन्हीं बूंदों का एक समूह होते हैं। बच्चों, जब ये जल भारी हो जाते हैं और इतने भारी हो जाते हैं कि वायु में तैर ना सके तो ये वर्षण के रूप में नीचे पृथ्वी पे आ गिरते हैं और पुनः ये नदियों और तालाबों में भर जाते हैं और सूर्य की रोशनी से फिर वाष्पित होके ऊपर जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलते रहती है। बच्चों, वर्षा जो है मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला संवहनीय वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा एवं तीसरा चक्रवर्तीय वर्षा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी वर्षा के प्रकारों पे एक एक करके चर्चा करते हैं। तो बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे वर्षा के प्रकार पे। तो हमारा पहला है संवहनीय वर्षा अर्थात कन्वेंशनल रेनफॉल। बच्चों, सूर्य का ताप जब भूतल से गर्म हो जाता है और उस स्थान की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है तो संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है तथा उपस्थित जल वाष्प का जो है वहां पे संघनन होता है और इससे जो वर्षा होती है उसे संवहनीय अर्थात कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। और ऐसी वर्षा जो है अधिकतर भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में होती है। आप इस चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्षा के प्रकार पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अब हम पर्वतीय वर्षा अर्थात माउंटेन रेनफॉल पे चर्चा करेंगे। बच्चों, जब ठंडी हवा अपने साथ नमी लेकर चलती है और उसके सामने पर्वत या पहाड़ आ जाता है तब उस स्थान पे पर्वतीय वर्षा होती है। बच्चों, ऐसी वर्षा मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में होती है और यहीं पे पर्वत के दूसरी ओर के हिस्से में या तो वर्षा नहीं होगी या बहुत कम होगी। तो बच्चों, इसे ही हम वृष्टि छाया अर्थात रेन शैडो वाले क्षेत्र कहते हैं। आप इन चित्रों के माध्यम से पर्वतीय वर्षा को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम वर्षा के प्रकार पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और अब हम तीसरे प्रकार की वर्षा चक्रवाती वर्षा अर्थात साइक्लोनिक रेनफॉल पे चर्चा करते हैं। बच्चों, जब गर्म और आर्द्र हवा ऊपर उठती है तो यह ठंडी हवा से मिलती है और सघन होके वर्षा करती है। यह अधिकतर तटीय क्षेत्रों में होती है और जैसा कि हम जानते हैं जीव जंतुओं और पौधों को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा का ही जो जल है वो नीचे सतह पे गिर के रिसकर भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है। बच्चों, यदि वर्षा कम हो तो और जल की कमी तथा सूखा आ जाता है
और इसके विपरीत यदि वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। आप इस चित्र के माध्यम से चक्रवातीय वर्षा को समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। बच्चों, इस वीडियो में हमने चर्चा की पवन पे तथा आर्द्रता पे, और इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।